आज जो हमारे गेस्ट है यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि जब से मैंने सीरीज शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर आपका नाम ना लिखा हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्शन को कि ये मैं अपने चैनल पे आ गया आपके चैनल पे आ गया। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था इस बात का, पर मैं थैंकफुल हूँ कि आपने बुलाया, इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ। सर प्यार बहुत करते हैं बच्चे आपको, मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस और नो? सो अब आप लोग जो चाहे जैसे चाहे इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कोई ये कहे कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी कर ली, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हों यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपके सक्सेस किसी काम के नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटैलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं पर वो किसी काम के नहीं है। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज़्यादा हो ना पाए, तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊँगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना लड़की ऊँचे पद पर हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का, मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पर ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपये के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ जो मेरे साथ है, और हैं बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज़ की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। YouTube पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1 लाख क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस YouTube चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊँगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के
पिता के, भाई बहन, दोस्त, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, बात बात पर बेवकूफ़ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने यूट्यूब पे इतना बोला कि सच में नहीं बचा होगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। फिर मैं घर गया, नेट पर सर्च करना शुरू किया, करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल, शायद कुछ आपने को बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का, मुझे लगा कि ये जो है ना ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस्ड व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, मैंने कहा देखो जिंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगी। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा, जो जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में, क्या बात कर, बड़ी भूमिका है। थैंक यू सो मच सर, इट मींस अ लॉट टू मी। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, कई कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर, जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं, वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर मतलब एवरीडे 8-10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए डीमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है कंटिन्यूअसली। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डीमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डीमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमज़ोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डीमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डीमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डीमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी, इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नज़र नहीं आता, जो नहीं है वो नज़र आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना,
हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डीमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज़ लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एन्जॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं, तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पज़ है क्या। क्या पर्पज़ केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पज़ है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए उसको, समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके, उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कई ऐसी चीज़ें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो भी नहीं जा सकते, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है स्कूल में, जो एडोलेसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीज़ें बताएं ताकि गलत सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठें। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीज़ें पता हों, ठीक हाथों से पता हों, ठीक तरीके से पता हों। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे, अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो, ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको, उसको MS Excel भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज़्यादा जाना है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की हो। तो बेसिक तीन फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पज़ है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है, वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज़ करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर हम बढ़ें। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पज़ भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ, वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज भी जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ाया ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए ताकि फिर वो ज़िंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही
अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कॉम्पिटिशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कॉम्पिटिशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी, मतलब एक इंसान को। हाँ, सॉरी, थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था। हाँ जी, हजार बार फेल हुआ तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम बार बार करते, होता तो है नहीं तुमसे, क्यों कर रहे हो? तो उसने पता है क्या कहा, हर फेलियर के बाद मैं ये जानता हूं कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता, और अब मैं हजार तरीके जानता हूं कि इन तरीकों से नहीं बनेगा, और उसके बाद वो तरीका ईजाद हुआ जिससे बना। एजुकेशन से एक इंसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन मस्ट बी सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे। हाँ। कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहाँ ऐड हो रही है, और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है। दैट मे नॉट बी रेलिवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं, वहां पर कॉम्पिटिशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पर फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है, दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब जॉब पर्सनैलिटी मस्ट बी डायनामिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से जो, जैसे मैं सर से मिला अभी ऑफ कैमरा, हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर आपके साथ में बैठ करके, जिस तरह से, जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे, जिस तरह से चीज़ों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो देर वॉज अ कॉन्वर्सेशन विच वॉज गोइंग ऑन। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पीपल जिनसे मैं कभी कहीं मिला तो उनकी अप्रोच क्या है कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ हो जाती है। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनयम एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफ़ी है, उससे बड़ी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। हाँ। अगर सर की बात को आगे एक्सटेंड किया जाए, एकदम सही बात, एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे, जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चन एक ही होते हैं, सर सक्सेसफुल कैसे हो। कभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी जो इससे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप रिलेट कर जाएंगे, कि सर सक्सेस हमारा दिमाग खराब किस तरीके से करती है, या सक्सेस का क्या माइनस पॉइंट है। सही बात। सक्सेसफुल होने से बड़ा है मीनिंगफुल होना, सार्थक होना। सफल होना छोटी बात है, सार्थक होना ज्यादा बड़ी बात है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थाट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, सर कैसे हम इसको हैंडल करें, अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थाट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर, तो इसको कैसे हैंडल करना है सर इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है, ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊँ, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊँगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो, हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सबका एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कॉम्पिटिशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हों, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से जो एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊँगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों ना एक बार चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि ज़िंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी, तो संदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन? मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊँगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए ज़िंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए, और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है, उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है किसी भी फील्ड में, इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है, हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नज़र किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कितने साल तक ये लहू लुहान हुए होंगे, रोज़ छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, बात बनती है, आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुँचे। आपने अपने क्वेश्चन में दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए, अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा, उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20 30 बार 50 बार 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है।
जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना, एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको, आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहे, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, दूसरी तरह से बना के डालोगे कोई नहीं देखेगा, फिर तीसरी तरह से, चौथी तरह से, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा भी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए।